ऑल राइट, सो क्या हाल है मेरी यूट्यूब की फैमिली, इट्स अभिषेक बैक विद अ न्यू वीडियो। सो थंबनेल से तो आप समझ गए होंगे, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फेस जेल बताने जा रहा हूँ जो फेस जेल लगा के आपके फेस एकदम ग्लोइंग हो सकता है, पिंपल फ्री हो सकता है एंड आपके फेस एकदम स्मूथ हो सकता है। तो देखो यार, वैसे तो मैं कोई जनरली आपको प्रोडक्ट सजेस्ट आज तक कभी नहीं किया हूँ, जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं या जो आए हैं नए वो देख सकते हैं, मैंने आज तक कभी कोई प्रोडक्ट ऐसे जनरली सजेस्ट किया नहीं है, लेकिन अगर आज ला रहा हूँ तो ज़रूर उसको मैंने यूज़ किया होगा। जी हाँ, इस प्रोडक्ट को मैं बहुत लंबे टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ एंड इसका इफेक्ट मैंने अपने फेस पे देखा, तो मैं सोचा क्यों ना इस पे भी एक वीडियो बना दी जाए जो शायद आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो चलिए सीधा वीडियो तरफ मूव करते हैं। तो ऑलरेडी यार देखो, अब यहाँ पे मैं आपको फेस जेल तो बता दूंगा बड़े आराम से, ये केसर फेस जेल है, मैं प्रोडक्ट आपको अच्छे से बता दूंगा और आप फिर वीडियो छोड़ के निकल जाओगे तो इसका मतलब है नहीं, तो प्लीज़ दो मिनट लगेगा आपका शायद से, आप देख लो मेरा वीडियो रिटेंशन थोड़ा हाई हो जाएगा। तो देखो ये जो फेस जेल है ये हिमालय का केसर फेस जेल जो मैं खुद अपने ऊपर लगाता हूँ, इसके दो मतलब मेरे को दो अच्छे लगे, एक है रोज़ एक है केसर, तो मैं तो केसर लगाता हूँ, रोज़ मेरे को सूट उतना किया नहीं, आप अपने हिसाब से देख लो आपको कौन सा सूट करता है, नहीं पता है कमेंट सेक्शन में अपना स्किन टाइप बता दो, मैं आपको बता दूंगा कौन सा आपके लिए सूट करेगा। मेरे को केसर सूट किया है तो मैंने केसर लगाया एंड ये फेस जेल बहुत ज़्यादा अच्छा है यार, ये फेस स्मूथनिंग इतनी अच्छी कर देता है एंड ऊपर से पिंपल्स नहीं आते हैं फेस पे आपके, एंड सबसे अच्छी बात है आपका फेस हमेशा ग्लोइंग रहता है। तो इसको मैं जनरली लगाता हूँ, वीक में दो बार इनफ है इसको लगाना, तो अगर आप भी चाहते आप ये फेस जेल लेके लगा सकते हैं, आपके नियर बाई स्टोर्स में मिल जाएगा वरना अमेजोन और फ्लिपकार्ट मिल जाएगा। तो लाइक ऑल अदर फेस जेल, इसको भी लगाने से पहले सबसे पहले आपको अपना फेस वॉश करना है, तो चले फटाफट अपना फेस वॉश कर लेते हैं। ऑलराइट, हमने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड अब इसके बाद आपको इस जेल को अपने हाथ पे लेना है। याद रखो, अपने हाथ पे लेने से पहले सबसे पहले अपना हाथ धो लेना यार, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल आपके फेस पे आने के चांस होती है वो आपके हैंड से ही होती है, तो सबसे पहले आपको अपना हाथ धो लेना है। एक बार आपने हैंड वॉश कर लिया तो उसके बाद आपको अपने हाथ पे इस जेल को लगाना है एंड अपने फेस पे आराम से मसाज करना है। मसाज कर से क्या होगा, ये आराम से आपके फेस के अंदर सारे पोर्स में जाएगा, अपना काम दिखाएगा। 15 मिनट के लिए छोड़ दो, 15 मिनट बाद छोड़ने के बाद जब एक बार ड्राई हो जाएगा आपको जाना है एंड अपना फेस वॉश कर लेना है। दैट्स इट, बस इतना ही आपको करना है एंड हो गया। वीक में दो बार करो, 4 वीक्स में रिजल्ट आपके सामने है एंड मैं बता रहा हूँ लिटरली आप सबको ये फेस जेल बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। नहीं आएगा ना तो कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, सीधी सी बात बोलता हूँ, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, इतना अच्छा फेस जेल है। अगर मैं सजेस्ट किया हूँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा एंड याद रखो यार, लगाने से पहले अगर आपको अपना स्किन टाइप नहीं पता है तो मेरे को अपना बता देना, मैं उस पर एक वीडियो ले आऊँगा ताकि स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट यूज़ कर सको। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको समझ लेना रोज़ लेना है या केसर लेना है तो आप मुझे बता देना कमेंट में कि भाई ये मेरा स्किन टाइप है, अगर आपको पता है तो उस हिसाब से मैं कौन सा लूँ, मैं वो भी आपको बता दूंगा। बस यही कुछ था, एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो आप लोगों के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और भी फ्यूचर में ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, कोरोना का फर्स्ट डोज लगवा लेना, बाय बाय।